ये देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। इसमें धनिया डाल दिया, अब इसको कर देंगे हम बंद। हो गया रेडी फिश करी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और तो थंबनेल में तो आपने जैसे कि देख लिया होगा, तो ये क्या ब्लॉग बनने वाला है तो आप समझ ही जाइए। इसमें हम फिश करी बनाएंगे, होटल जैसा फिश करी, घर में कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे सब इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना वीडियो में कीजिए। और दिखाते हैं आपको फिश करी कैसे बनाते हैं, फिश की कटिंग करते हैं और सफाई करते हैं, फिर बनाना सिखाते हैं आपको। मीडियम कटिंग। मीडियम कटिंग करो, देखो कैसे काट रहे हैं फिश को, एकदम बेहतरीन लाजवाब बनेगा। इसके साथ रहेगी हमारी चपाती, फिश करी विद चपाती, और स्पेशल डिश बनने वाली है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें आप लोग, पूरा दिखाएंगे आपको। देखो फिश को हमने कुछ इस तरह से कटिंग करके रख दिया है, अब इसकी सफाई होगी। इसकी आप सफाई करेंगे तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए अच्छे से इसका जो है गंदगी जो है साफ करेंगे वो। ये होगी हमारी फिश साफ, देखो कितनी सफाई से कर रखा है, एकदम क्लीन। ये देखो ये टमाटर लिया मैंने यहाँ, इसके मसाले बनाने के लिए प्याज लिया और ग्रीन चिली ले रखी है और गार्लिक ले रखा है और जिंजर डालना, जिंजर पेस्ट है मेरे पास, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डालूँगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं कटिंग और दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं फिश करी होम स्टाइल। चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, इसके बाद हमने लिया है इसमें डाल दीजिए कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, लिटिल क्यूमिन पाउडर, ओके। कमी पाउडर डाल दिया और देन हल्दी हमने लिया पाउडर, है इसमें टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। आपको अगर ज़्यादा मसालेदार चाहिए ज़्यादा, वो अपने हिसाब से आप काम कर सकते स्वाद हैं, अनुसार आप डाल सकते अपने हैं। जितना तुम्हें कम ज़्यादा चाहिए वो अपने हिसाब से मसाला डाल सकते हैं। हम तो थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हाँ, हैं, हम तो खाना स्पाइसी का पसंद करते हैं तो हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। थोड़ा ये मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि जो फिश होती है ना उसमें मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड पेस्ट हो गया, काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन इसको मैरिनेट करके हम थोड़ी देर आधा घंटे के लिए इसको रख देंगे। रख देंगे हमने मच्छी फिश को काटा था उसका मैरिनेशन करके हमने आधे घंटे पहले मैरिनेशन कर दिया। और ये कोरिएंडर है वो चॉप है, ऑनियन एंड ग्रीन चिली है वो जिंजर गार्लिक चॉप काट के रखा हुआ है, ये है टमाटर और ये मसाला इसमें है कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और फिश करी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब मसाले हमने मिला के कोकोनट मिल्क पाउडर भी डाला हुआ है, क्योंकि गोनी स्टाइल में बनाना तो वो बहुत ज़रूरी है। तो देखो बनाते हैं और कैसा बनता है फिश करी देखिए, एकदम मस्त। तो ये आइटम आपको चाहिए फिश करी, गोनी स्टाइल में फिश करी बनाओगे तो ये मसाले आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है? तो आइए वीडियो में बने रहें, देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको गोनी स्टाइल में। पैन को गर्म करते हैं, इसमें डालते हैं ऑयल थोड़ा सा, और उसको ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है ताकि हमको फिश को हम ग्रिल कर पाए, इतना ऑयल इनफ है। और इसकी जो फ्लेम है उसको हल्का ज़्यादा एकदम मीडियम में रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में भी नहीं रखते ताकि इसमें फिश चिपके ना। तो आइए दिखाते हैं आपको ग्रिल करके। ये देखो ऐसे फ्लेम में ऐसे ऐसे रख के हम इसको ग्रिल करते जाएंगे। गैस हमने ये थोड़ा हल्का मसाला डाला हुआ है, अगर आप चाहे तो कुछ स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, तवा मच्छी जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसका मसाला जो है इसको जो हमने हल्का किया तो आपने लाइट रखा हमने, तो आपने इसको गाढ़ा करना है। जैसे योगर्ट मिला के, कर्ड मिला के आप इसको गाढ़ा कनेक्शन करके तवा फिश करके स्नैक्स के तौर पर खा भी सकते हैं इसको। लेकिन हमने फिश करी बनाना है, फिश करी बनाना है इसलिए हमने इसको हल्का हल्का मैंने करा, इसलिए भी हम इसको ग्रिल कर रहे हैं ताकि फिश जो है टूटेगी नहीं। और इसको हल्का फ्लेम में इसलिए वो हल्का कलर इसलिए दे रहे हैं ताकि टूटे ना, और इसकी हल्की स्मेल भी कम हो जाती है, जो फिश की स्मेल आ जाती है पसंद नहीं करता है, तो उस चीज़ के लिए ग्रिल भी करते हैं। दूसरी बात ये टूटेगा नहीं, हम करी में यूज़ करेंगे तो टूटेगा नहीं। एक्चुअली आज था हमारा ऑफ,
तो कृपाल भाई और मैं और साथी था, तो हमने सोचा चलो कुछ स्पेशल किया जाए रात को। तो किसका आइडिया कृपाल भाई का था, तो मैंने सब फिर भी खा भी लेंगे और थोड़ा वीडियो भी बन जाएगी, और ये वीडियो को देखिए किसी को भी हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो एकदम मस्त कलर आ गया है, ये देखो अब ये हो गया, दोनों तरफ से कलर आ गया, पक भी चुका है। अब इसको हम निकालेंगे अलग से प्लेट में, तो अब जो बचा हुआ हमारा वो भी हम डाल देते हैं। तो सेम उसको भी यही कलर देंगे, आप देख सकते हो कैसा कलर हमने दिया और किस तरीके से पैन में डाला और कितना देर हमने इसको पकाया, तो आप देख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा नहीं है। इसको भी सेम ऐसे कलर देंगे हम जैसे ये वाला दे रखते हैं। तो ये होता ना कभी कोई अगर ये हवा इतना हीट होना चाहिए ताकि हमारा मछली चिपके ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको इतना फ्लेम में रखना था कि हमारी मछली चिपके ना, ठीक है। ये देखो कहीं से भी चिपकी नहीं है इसके समान, तो आप देख सकते हो। ये डाला हमने इसमें मस्टर्ड सीड, अब इसको इतना चलाएंगे हम ताकि हमें ब्राउन कलर हो जाए। जब हमें इसका थोड़ा कलर आ जाएगा इसमें भूनने के बाद इसमें हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक जो चॉप किया है वो डालेंगे। अगर हम पहले डाल जाए तो वो गार्लिक जिंजर जलने का बहुत चांस रहता है। तो अगर ये अगर ये प्याज का भूनने के बाद कलर आ गया तो जिंजर गार्लिक चॉप जो हमने किया वो डाल देंगे। और ये देखो हल्का हल्का कलर आने लग गया हमारा, ये ऑनियन गार्लिक जिंजर जो हमने डाला है इसमें, ये देखो ये इतना भी कलर नहीं रहे ताकि जल जाए, तो इसको बहुत केयरफुली ध्यान भी देना पड़ेगा हमको। और देखो गोल्डन कलर आना लग गया। अब डालेंगे इसमें टमाटर ताकि ज़्यादा जले ना, तो उतना भी नहीं करना कलर करना, हल्का गोल्डन ब्राउन करना हमने। देखो हमने इसमें सॉफ्ट टमाटर डाल दिए, तो इसमें जूलियन कटी हुई पत्ती हमने इसमें टमाटर ऑलरेडी मिला दिए हैं। देखो तो अब इसमें हल्का सा हम नमक मिला रहे हैं, और नमक इसलिए डाला ताकि टमाटर और ये ऑनियन जो हमने डाला इसमें अच्छे से पक जाए, अच्छे मतलब अपना कलर छोड़े उसमें। आपको चलाते रहना है इसको ताकि जलना नहीं चाहिए, और इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे, अब देखते रहेंगे ताकि चले ना वो जले ना बीच में से, तो इसका ये भी ध्यान रखना है। तो गैस हमने टमाटर और प्याज को इतना भूना था कि अपना ऑयल जब तक अपना ऑयल ना छोड़े, जैसे ऑयल छोड़ने का समय लग जाएगी पक चुका है, तो हम जो हमने मसाले आपको बताए थे क्या क्या मिलाना है इसमें वो मिलाने का टाइम आएगा, तब हम इसमें ये मसाले इसमें मिला देंगे, जब तक हमारा ये पक ना जाए अच्छे से। तो गैस जैसे कि हमें दिख रहा है कि टमाटर हमारे होने लग गए और ये अपना ऑयल छोड़ने लग गया, तो हम इसमें मिलाएंगे मसाले जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्या क्या मसाले हमने मिला रखे हैं। तो मिलाने का टाइम आ गया, तो हम इसलिए मसाले मिला रहे हैं। इसकी ग्रेवी बनेगी बहुत प्यारी और लाजवाब, और एकदम होटल जैसा फीलिंग आएगा आपको इसमें। अगर आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए चलाना ज़रूरी है इसको, बहुत केयरफुली बनाना है मसाला डालने के बाद, बहुत जल्दी चिपकता है पैन में, तो इस चीज़ का प्लीज़ केयरफुल ध्यान रखना। ये अब जैसे कि हमने इसमें मसाले मिला दिए हैं, तो इसको अच्छे से कुक होने तक हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें मसालों का पूरा फ्लेवर आ जाए और अच्छा ग्रेवी तैयार होके हमारे सामने आ जाए। ये देखो कितनी मस्त कलर आने लग गया है, ये देख सकते हो आप वीडियो में। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाना है इसमें, वो जैसे कि हमने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, ये देखो ग्रेवी पकने लग गया अपने हिसाब से धीरे धीरे, पानी डाल दिया हमने हल्का सा ताकि अब पकेगा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो 10-15 मिनट के लिए, तो ये अपने आप पक जाएगा। अब इसमें जलने का कोई डर नहीं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी पानी हल्का सा मिला दिया है, अब जलने का कोई डर नहीं है। तो गैस हमारा ये ग्रेवी हो गया रेडी, तो हम वो फिश इसमें डालेंगे जो हमने ग्रिल करके पका रखा है, तवे में सेक के पका रखा है। ये देखो कितनी प्यारी ग्रेवी बनी हुई है,
आप देख सकते हैं, देखो ये हमारी ग्रेवी रेडी। थोड़ा सा अभी धनिया हम डाल देते हैं, फिर बाकी लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर से। तो धनिया का जो अपना टेस्ट है वो अलग ही है, तो धनिया डालना बहुत ज़रूरी है खाने में। तो गाइस हमने जो यहाँ पे दो पीस खाने के लिए टेस्ट करने के लिए कृपाल भाई और मैं देखते हैं इसका टेस्ट करके कैसा आता है। ये फिश मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, ये फिश मैं भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, क्योंकि ये कुवैत की लोकल फिश है ना, मैंने इसका स्वाद के लिए। एक नंबर, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा लाइट है बट जो फिश का टेस्ट है बहुत लाजवाब है। ये फिश आप भी जरूर ट्राई करें, अगर आपके पास थोड़ी ग्रीन चटनी अगर तो और मजा आएगा। क्या बोलते हो ग्रीन चटनी के साथ अपना? एक नंबर तंदूर की ग्रीन चटनी होती है ये फिश को हम अगर तंदूरी मसाले में बना मैरिनेशन करके इसको ग्रिल करके कैसे लगेगा? एक नंबर। क्या बोलते हो? एक नंबर फिश टिक्का हो गया फिर तो, इसमें ग्रीन चटनी हो बस यही होता है बस, और मैं लाजवाब बना हुआ है। बाकी तो गाइस हमारी मच्छी हो चुकी है रेडी, अब हम इसमें धनिया डाल के इसको कर देंगे बंद और दिखाते हैं आपको खाने में इसको कैसा टेस्ट आ रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा हो गया फिश करी रेडी और ये रोटी होगी रेडी। तो रोटी तो आपको सबको पता होती है कैसे बनती है, तो वो मैंने वीडियो में डाला नहीं है। बाकी ये देखो रोटी है, बिल्कुल घर वाली रोटी बना रखी है जो हमारी मम्मी लोग बनाया करते हैं घर, उनके जैसे तो कहाँ बना पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेटर है, होटल से तो बेटर ही है। देखिए और बताते इसका टेस्ट करके आपको कैसा टेस्ट है वीडियो में, ठीक है बने रहे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना एक भी पार्ट, कुछ भी आपको सीखने मिलता तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। तो देख बता दें कैसा है इसका टेस्ट। तो गाइस हम मच्छी टेस्ट करके बता दें कैसा बना है। लाजवाब बना है, तो आप भी घर में जरूर टेस्ट करें। मिलता हूँ आप लोगों से खाने के बाद, टेस्ट एक नंबर बनाया है, आप जरूर ट्राई करना घर में मेरी रेसिपी को। तो गाइस खाना खा चुका हूँ मैं और फिश करी जो बनी थी बहुत बढ़िया बनी थी। अगर इस वीडियो की थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और चलिए वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।